माननीय सभासदों, माननीय अध्यक्ष जी, जय श्री राम। प्लीज बैठिए। आप एक बात बताइए, प्रश्नकाल आप सबका है, क्या प्रश्नकाल को नहीं चलाना चाहते आप? प्रश्नकाल जैसे महत्वपूर्ण विषय पर आप रोज हंगामा करते हैं, आप जब प्रश्नकाल के बाद विषय उठाया करें ना, अच्छी परंपरा डालें। मैं आपके लिए कर रहा हूं ये सब कुछ कि प्रश्नकाल आपका समय रहता है, सरकार से पूछने का आपका अधिकार है, आप अधिकारों से खुद वंचित होना चाहते हैं और तख्तियां लाना छोड़ दें। यहां पर पहले भी मैंने कहा था, तख्तियां लाना छोड़ दें प्लीज। बालू जी, आपको हर इंपोर्टेंट विषय पर बोलने का मौका पर्याप्त दिया है, हमेशा दिया है, जब भी ना नोटिस और बिना नोटिस के भी दिया है। प्लीज क्वेश्चन नंबर 101, विनायक राव जी। प्रश्न क्रमांक 101, माननीय मंत्री जी। प्रश्न का उत्तर सदन के पटल पे रखा गया है। माननीय सदस्य, अध्यक्ष महोदय, देश के करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत को अच्छे तरीके से काम करने के लिए BBNL के माध्यम से OFC कनेक्टिविटी देने के अंदर मीटिंग मत किया करो, सदन के बाहर किया करो। केंद्र सरकार के माध्यम से की गई। मेरा प्रश्न था, अधिकार है, और प्रश्न के उत्तर में करीब 2.5 लाख ग्राम पंचायत में से 1,80,709 ग्राम पंचायत ऑप्टिकल फाइबर केबल से जुड़े गए हैं। मेरे क्षेत्र के बारे में मैंने प्रश्न पूछा था, सिंधुदुर्ग, महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग रत्नागिरी जिले के कितने ग्राम पंचायती को OFC कनेक्टिविटी होकर आज तक ग्राम पंचायती का कार्यान्वय हो रहा है। उत्तर में लिखा है अध्यक्ष महोदय, 721 इतने ग्राम पंचायत को OFC देकर उन्होंने कार्यान्वित किया है, लेकिन मेरे जानकारी से शुरू में कई ग्राम पंचायती ने ये पैकेज लिया था और उसका इस्तेमाल चालू किया था, लेकिन बाद में 6 महीने के बाद सारे के सारे बहुत से ग्राम पंचायत ने ये अपनी सर्विस बंद कर दी। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? अच्छी एक योजना थी, लेकिन उसको सक्सेस होने के लिए क्या कठिनाई है, उसके बारे में मैं जानकारी लेना चाहता हूँ। माननीय मंत्री जी, इम्प्लीमेंटेशन है 2 तरीके से हुआ है। बहुत सारे राज्यों में केंद्र सरकार ने डायरेक्टली BBNL के जरिए या BSNL के जरिए से किया है, और कुछ राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कहा था कि हम अपने आप करना चाहेंगे, और उन राज्यों को फिर स्टेट लेड मॉडल में दिया गया। महाराष्ट्र भी एक ऐसा स्टेट है जिसमें महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि हम ये काम अपने हाथों में लेना चाहेंगे, तो ये काम उनको दिया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2-2.5 साल तक करीब करीब जो बहुत अच्छा काम का पीरियड था, उस पीरियड में काम कुछ विशेष हुआ नहीं। अब इस काम में तेजी आ रही है, और जो माननीय सांसद महोदय का क्षेत्र है उसमें भी काम में बहुत तेज गति से अभी काम आ रहा है। अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूँ मंत्री जी साहब से कि इस BBNL को और कोई प्राइवेट पार्टनरशिप कंपनी को अटैच करके ये स्कीम चालू करने की सरकार का कुछ ब्यौरा है क्या? बिल्कुल नहीं अध्यक्ष जी, BBNL को BSNL के साथ मर्ज किया जा रहा है, क्योंकि दो अलग अलग कंपनी होने से इस तरह की व्यवस्था हो रही थी कि इंटरनेशनल बैंडविड्थ की जो पाइपलाइन आती थी उसके आगे BSNL और BBNL, इसके बीच में हमेशा कोऑर्डिनेशन की दिक्कत आती थी। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत एक अच्छा निर्णय लिया कि BBNL और BSNL को मर्ज कर दें, जिससे कि सीमलेस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में बैंडविड्थ पहुँच सके। श्रीमती कलाबेन मोहन भाई देलकर। प्रताप राव जाधव। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। ये जो BSNL और BBNL के माध्यम से महाराष्ट्र के लगभग सभी जिलों के सभी कई ब्लॉकों में
ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को इंटरनेट से जुड़ाने के लिए हजारों करोड़ रुपए खर्चे हमारे केंद्र सरकार ने खर्चे किए। ऑप्टिकल लाइन BSNL BBNL ने ग्राम पंचायत भवन तक बिछा दी, लेकिन उसके आगे गांव के कम 5 इंस्टीट्यूट को इंटरनेट कनेक्शन देने की जिम्मेदारी हमने CSC कंपनी के ऊपर दी थी, लेकिन CSC ने एक भी गांव में ये काम नहीं किया। एक भी ग्राम पंचायत में आज महाराष्ट्र के इंटरनेट चालू नहीं है। तो मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से यही पूछना चाहूंगा कि बार बार ये इंटरनेट के काम करने के लिए CSC कंपनी को ही प्रमोट किया जाता है, तो क्या CSC कंपनी ने जो भी काम हमारे गवर्नमेंट के किए उसका जायजा कभी हमारे सरकार ने लिया, उसका रिव्यू कभी लिया गया, और क्यों CSC कंपनी को बार बार इंटरनेट काम करने के लिए प्रमोट किया जा रहा है? अगर उन्होंने गलत ढंग से काम किया है तो उसकी इंक्वायरी करके उन पर कार्रवाई सरकार करेंगी क्या? अनिवार सांसद महोदय जी ने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रेज किया है सर। अब किसी एक पर्टिकुलर कंपनी या CSC भी सरकार की ही कंपनी है, कम्युनिटी सर्विस सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर, करीब देश भर में 4.5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर जुड़े हैं। अब उसके बजाय एक बहुत अच्छी नई व्यवस्था बन रही है जिसमें BSNL गांव के ही जो लोकल एंटरप्रेन्योर हैं उनको जोड़ के उनके माध्यम से किस तरह से कनेक्शन पहुंचाए ग्रामीण क्षेत्रों में, ये एक बहुत नई अच्छी व्यवस्था बन रही है। इस व्यवस्था के माध्यम से पिछले 7-8 महीनों में माननीय अध्यक्ष जी हर महीने ऑन एन एवरेज 1 लाख से अधिक गांवों को गांव में इंटरनेट की OFC केबल के जरिए से कनेक्शन मिल रहा है। तो इस मॉडल को और तेजी से आगे अब बढ़ाया जा रहा है और माननीय सांसद महोदय का पॉइंट मैंने नोट किया, किसी भी एक पर्टिकुलर कंपनी को या किसी भी एक पर्टिकुलर संस्था को कोई प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी। श्रीमती जी गीता, क्वेश्चन नंबर 102। माननीय मंत्री महोदय, माननीय सदस्य, थैंक यू सर। सर, द हॉनरेबल मिनिस्टर इन हिज रिप्लाई हैज स्टेटेड अंडर द अटल इनोवेशन मिशन देर आर 2 इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश्ड इन आंध्र प्रदेश। सर, इन आंध्र प्रदेश आवर हॉनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री जगनमोहन रेड्डी गारु टेकिंग इनिशियेटिव स्टेप्स टू इंप्रूव द स्टैंडर्ड्स ऑफ द एजुकेशन एंड ऑल्सो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज ऑल्सो गिवेन टू द स्कूल्स अंडर नाडू नेडू स्कीम and also minimize the absentees. He is giving 15,000 rupees to mothers, sir, under Ammavadi scheme. I would like to know from the honorable minister whether the government will establish more such incubation centers in the state of Andhra Pradesh so that more entrepreneurs from the Andhra Pradesh can make use of the facilities at the incubation centers. Sir, the Atal Innovation Mission is a brainchild of the Modi government, and it has been fostered by Niti Aayog over the past 6 years. And I'm glad to state here in the House that all states in India have taken to it like a duck to water. And the state that the honorable member comes from, Andhra Pradesh, is a front runner in this Atal Innovation Mission scheme of things. Now, there are 2 centers, as the honorable members has pointed out. One center is at Anantpur in Shri Krishna Devaraya University, and it has focused primarily on agriculture, clean tech and healthcare. And it's also helped 21 startups. The second one is in Vishakhapatnam, the AICAMTZ Medi Valley. And this one has helped start up 26 startups in medical technologies, healthcare, etc. Now, these 2 startups in Andhra Pradesh have done a lot of good in various spheres. And I would like to just point out to the House how Andhra Pradesh is at the forefront
of these technologies being imparted to people at large. In agriculture and allied fields, due to these two innovation incubation centers, agriculture and allied fields have increased by 21%. They've made startups come up in 21 fields. Electricity and renewable energy 10%, information and communication technology 15%, health and pharmaceuticals 17%. Now, all over India, there was a plan to make 101 incubation centers. Today, we are only able to make 69 incubation centers because COVID came in the way. So, unfortunately, because of COVID, we have not been able to reach our targets. We still have to reach 100. The target is 100. We still have to reach that. And if Andhra Pradesh, people in Andhra Pradesh apply for incubation centers, there is a committee which takes a decision as to where all it should be done, and we will consider it and then we will take a decision. Thank you, sir. Sir, I would like to know from the Honorable Minister, what steps are being taken via AIM to do foreign collaborations, especially in the area of research and development? The idea of these incubation centers and Atal Innovation Mission is that you should foster innovation in young minds, whether it's in schools, whether it's in universities, institutions, or even in, like, we have a vertical called the Atal Community Innovation Centers, which caters to coastal areas, which caters to hilly and tribal areas, aspirational districts, etc., etc. So we have a target of 50 Atal Community Innovation Centers, out of which 14 have been put in place, but the rest have not been put in place. And the idea of this whole mission is to foster an attitude of innovation in young minds, madam. And we don't really require foreign people to make our people's brain work. Nevertheless, I would like to inform the minister that there is a vertical called the SheSTEM. The SheSTEM is between India and Sweden. And other countries like Germany and Norway have also shown interest, wherein after the Nobel Week, you know the Nobel Prize? After the Nobel Prize Week, recognition is given to women from both these countries. So this is one of the ones that is on the anvil. And from Sweden, we will probably expand and take on board other countries specifically to ensure that women entrepreneurs are given their due in the scheme of things. Question number 103, Srimati Poonam Ben Madam. The question number 103. Mani Mantri Ji. Statement is laid on the table of the House. Mani Honorable Member. मंत्री जी आप बैठ जाओ उनको सर वैसे मंत्री जी ने बहुत अच्छे से डिटेल में उत्तर भी दिया है बट आई वुड लाइक टू नो फ्रॉम द ऑनरेबल मिनिस्टर सर थ्रू यू दैट मोस्ट ऑफ आवर स्टार्टअप्स आर बेस्ड आउट ऑफ मेट्रोज आई वुड लाइक टू नो थ्रू द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट आउट ऑफ द 84,000 स्टार्टअप्स दैट वी हैव इन आवर कंट्री सर हाउ मेनी ऑफ दीज स्टार्टअप्स आर बेस्ड आउट ऑफ टायर टू एंड टायर थ्री सिटीज And also, what measures is special measures is the government taking to promote entrepreneurship beyond our metro, sir? Speaker, sir, the startups are set up in all the 30 states and union territories, and I am happy to tell that 80% of the startups are in 660 districts. 45% of these startups are in Tier 2 and Tier 3 cities. So, it's in our part of the state, 45% in Tier 2 and Tier 3 cities, sir. Honorable Member, supplementary. Sir, it has been over 5 years since we implemented Fund of Funds for startups, sir. Now, I would like to know from the Honorable Minister whether it has achieved its desired objectives and also whether the government is taking any special initiative to encourage women, also encourage
innovative solutions in waste management, irrigation and agriculture, sir? Speaker, sir, the startup system is the third largest ecosystem in the world, the most popular and successful scheme, and when it was started in January 2016, there were only 452 startups. Not I happy to glad to tell that on 30th of November, the number has increased to 80,012 startups. This is the third largest ecosystem in the world. It's the most successful system, sir. Manish Tiwari ji, ek aap Manish Tiwari ji ka supplementary job. Manish Tiwari ji supplementary. आप मनीष तिवारी जी का टाइम जवाब देना. थैंक यू वेरी मच मिस्टर स्पीकर सर. द गवर्नमेंट हैज गिवन अ रादर इलैबोरेट आंसर एक्सप्लेनिंग द इनिशिएटिव्स दे हैव टेकन विद रिगार्ड टू द स्टार्टअप इकोसिस्टम्स इन 16th जनवरी 2016. द गवर्नमेंट्स आंसर क्लेम्स दैट दे हैव ब्रॉट द नंबर ऑफ स्टार्टअप्स अप फ्रॉम 452 टू 84,012 बाय 2022. However, Mr. Speaker, sir, if you look at the global startup ecosystem, the United States has 704 startups. China has 243 startups. India today has 85 startups. If you look at it by valuation, in the first 10 startups or the first 15 startups globally, India does not rank anywhere. And let me read it out. ByteDance, China, $75 billion. Grab Taxi, Singapore, $14 billion. Epic Games, US, $15 billion. SpaceX, $19 billion. United States, Stripe, United States, $23 billion. Airbnb, US. Joule Labs, US. WeWork, US. Didi During, China. And Uber, US. My question, Mr. Speaker, sir, is that obviously, you know, there is still a long road to travel. So what exactly is the government doing in order to ensure that our startups, which are deserving, can actually be financed to an extent where they can graduate to the unicorn grade as quickly as possible? Mananiya Sabhapati Mahoday, sabse pehle to thoda ek jankari badi vishesh hai aur badi aakarshit karne wali jankari jo mere samaksh aayi thi. लगभग दो ढाई महीने पहले वो सदन को आपके माध्यम से बताना चाहूँगा. खास तौर पे पूनम बहन को ये पसंद आएगी. सर, ये एक धारणा है कि स्टार्टअप है तो दिल्ली में होगी, बेंगलोर में होगी, पुणे में, मुंबई में, चेन्नई में, हैदराबाद. स्वाभाविक रूप से ये दिखती हैं, ये बड़ी होती हैं. जैसे कोई गाँव या छोटी जगह से भी स्टार्टअप बनाता है तो उसकी इच्छा रहती है कि मैं बड़े शहर में जाऊँ जिससे मैं तेज गति से प्रगति कर सकूँ. सर, लगभग 3 महीने पहले मुझे पाटन जाने का मौका मिला. पाटन एक दूरदराज का इलाका है. काफ़ी वर्षों से वहाँ पे किसानी क्षेत्र में, खेडूतों में काम हुआ है. वहाँ सर एक स्टार्टअप्स के साथ इंट्रैक्शन में एक युवा ने पाटन के साथ प्रदेश का नाम भी बताओ. पाटन बहुत सारे पाटन हैं. पाटन जो गुजरात में है, जहाँ की हमारी दर्शना बहन बैठी है, पटोला साड़ी पूरे विश्व में प्रसिद्ध है. और एक एक पटोला साड़ी के लिए मुझे लगता है महिलाएं काफी उत्साहित रहती हैं उसको लेने के लिए. पाटन गुजरात में एक युवा लड़की ने अपने जानकारी दी और धन्यवाद किया माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कि सरकारी स्कीम से उनको शुरुआत में पैसा मिला जब कोई उनको रिकग्नाइज नहीं करता था. और उस थोड़ी सपोर्ट के साथ उन्होंने अपना काम शुरू किया. और अध्यक्ष जी, वो मेटावर्स में काम कर रहे हैं. और मैं तो हैरान हो गया कि पाटन के छोटे गांव में, छोटे शहर में एक व्यक्ति को मेटावर्स की जानकारी है जो शायद मुंबई दिल्ली के 99% युवा युवतियों को नहीं होगी. और 500 युवा युवतियों को वो वहाँ पे नौकरी देता है, काम देता है. और मेटावर्स में अपने आप को उन्होंने एक प्रसिद्ध भूमिका से काम किया. तो टियर टू टियर थ्री सिटीज में आज बहुत संभावना है. और मेरा मानना है कि आगे चल के और ज़्यादा
गांव-गांव तक ये विषय बढ़ रहा है। आज की युवा शक्ति नए स्वरूप से सोचती है। पीछे बनारस में जो उत्तर प्रदेश में है, काशी में भी मेरा स्टार्टअप के साथ जब इंटरेक्शन हुआ उसमें भी जो उत्साह देखने को मिला, काशी के आसपास के इलाकों से वहां पे युवा युवती इकट्ठे हुए थे। एक तो कोई युवती प्लेन में ही जा रही थी काशी, उनको पता भी नहीं था स्टार्टअप इंटरेक्शन का, फिर शायद वहां पहुंच के मालूम पड़ा होगा, तो वो भी पहुंची, उन्होंने अपनी भी बताई। तो मुझे लगता है कि हमारे देश की क्षमता बहुत छोटे शहरों तक गांव तक पहुंच रही है। स्टार्टअप स्कीम, आपने जवाब में देखा होगा मनीष जी, कितने सारे काम हुए हैं 2016 के बाद। हाँ, ये बात सही है कि आप स्टार्टअप बोल रहे थे, वैसे आप कहना चाह रहे थे यूनिकॉर्न के भारत में। हाँ, तो आपके जानकारी के लिए अब 107 से अधिक यूनिकॉर्न हो गए, 85 आपका आंकड़ा बहुत पुराना है। लेकिन अगर यूएस में 704 है या चाइना में, जो भी आपने आंकड़ा बताया उसके पीछे, फिर आप थोड़ी गंभीरता से अपने अंतर्ग्रह में देखें तो आपको विचार करना पड़ेगा कि यूएसए ने कब शुरू किया था एक कार्यक्रम, और हमारी सरकारों ने जो इतने सालों से अलग अलग सरकारें चली है, उन्होंने क्यों नहीं शुरू किया हमारे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना। क्यों ये काम भी आपने मोदी जी के लिए छोड़ के रखा था कि मोदी जी आएंगे फिर स्टार्टअप्स की दुनिया को प्रोत्साहन देंगे और फिर जाके एक इतनी तेज गति से स्टार्टअप्स देश में तैयार होंगे और देश में प्रगति करेंगे। इन्होंने कुछ नाम भी लिए, मैं भी लंबी सूची सुना सकता हूं कैसे हमारे एक एक स्टार्टअप, कोई उड़ीसा से आता है और एक स्टार्टअप शुरू करता है और आज विश्व प्रसिद्ध हो जाता है, डिजिटलाइजेशन में बड़ा नाम कमाता है, कोई केरल से आता है और एजुकेशन के क्षेत्र में नाम कमाता है, कोई यूपी से स्टार्टअप शुरू करता है। तो मेरा मानना है देश विदेश में आज भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम के गुणगान गाए जा रहे हैं, हमने सबने उसका आनंद लेना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं है, हमने सबने ये आनंद लेना चाहिए कि इतनी सारी स्कीम्स, अध्यक्ष महोदय इतनी सारी स्कीम्स तो शायद यूएस और चाइना में भी नहीं है जितनी स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने के लिए भारत में शुरू हुई है। और मैं समझता हूं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हो, कंप्लायंस बर्डन कम करना हो, अलग अलग विषयों पे जो इतने सारे काम हुए, स्वाभाविक रूप से जो मनीष जी की चिंता है कि बड़े रूप में हम स्टार्टअप्स को कैसे प्रोत्साहन देंगे, मैं समझता हूँ इस जवाब में इतनी सारी जानकारियां हैं जो आपको खुशी देगी कि भारत में स्टार्टअप्स का भविष्य बड़ा उज्जवल है। श्री श्रीकांत शिंदे बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, बैठ जाइए माननीय, बैठ जाइए श्रीकांत शिंदे, आप पूछिए। आज जैसे मंत्री जी ने कहा कि आज देश में 100 से अधिक यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, मैं सरकार को उसके लिए बधाई देता हूँ। हमारे देश में स्टार्टअप की संख्या बढ़ रही है, लेकिन सरकार द्वारा दी जा रहे बेनिफिट जैसे टैक्सेशन का लाभ जो है हर एक स्टार्टअप को नहीं मिल पा रहा। इसका प्रमुख कारण है कि कोई भी लाभ लेने के लिए सर्टिफिकेशन फ्रॉम इंटर मिनिस्ट्रियल बोर्ड अंडर द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड मैंडेटरी है। मंत्रालय द्वारा 2016 से अभी तक बहुत सारे स्टार्टअप रजिस्टर हुए हैं, वो कितने हुए हैं और इनमें से कितनों को IMB सर्टिफिकेशन दिया गया है? क्या सरकार द्वारा स्टार्टअप के ग्रोथ के लिए IMB सर्टिफिकेशन को और सरल बनाने हेतु प्रावधान करेगी क्या? क्योंकि IMB सर्टिफिकेशन का जो प्रावधान है वो मैंडेटरी है और बहुत सारी दिक्कतें जो है स्टार्टअप्स को आ रही है, तो इसको सरल बनाने की बहुत जरूरत है। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 84,000 स्टार्टअप्स हैं वो भी DPIIT में रजिस्टर्ड है हमारे मंत्रालय में, लेकिन जो इनकम टैक्स की सुविधाएं हैं और कुछ और विशेष सुविधाएं स्टार्टअप्स को दी जाती हैं उसमें हमें थोड़ी गहराई से देखना पड़ता है कि कोई मिसयूज ना करे। इसके कारण ये एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी बैठ के स्टार्टअप्स को रजिस्टर करती है, उनसे जानकारियां लेती है कि वास्तव में वो कोई नया इनोवेशन लेके आए हो, कोई नया R&D लेके आए हो जिससे देश को, देश की जनता को लाभ मिले, इसलिए वो प्रक्रिया रखी गई है। माननीय सदस्य ने अच्छा सुझाव दिया है,
कि इसको और सरल बनाने के लिए भी कोशिश की जाए, लेकिन सरलता के साथ साथ कोई मिसयूज ना हो, इसको भी एक बैलेंस करके हम आगे चल रहे हैं। श्री जयदेव गल्ला जी। थैंक यू सर फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू आस्क अ सप्लीमेंट्री। सर, द ऑनरेबल मिनिस्टर इज करेक्ट दैट स्टार्टअप्स हैव गॉन अप फ्रॉम जस्ट 450 इन 2016 टू 84,000 नाउ। बट सर, इट्स अ नोन फैक्ट globally, not only in India, that about 90% of startups fail and 10% actually fail in the first year itself. I'm not going to go into the reasons because there are many challenges such as lack of innovation, lack of funds, focus, leadership gaps, failure of business model and so on. But in spite of all this, I compliment the Honorable Minister, for the Indian startup ecosystem is now the third largest in the world. But sir, looking at the failure overpowering success rate in startups, I feel incubators really play an important role in addressing various issues, be it mentoring, training, seed funding, leadership gaps, or other things. I am glad that incubation is one of the 19 action items of the action plan prepared by the government. Coming to my question, sir, looking at the failure rate of startups, can we assume that the action that needs to be taken as a part of the incubation process is not really up to the mark? And if so, I would like to know from the Honorable Minister, how is he planning for a better startup incubator collaborative program between public and private entities? I think Honorable Member has raised a very important point, Speaker, sir. Very clearly, startups are prone to failure. There's a very high probability. Though I must say, the success rate of startups in India is relatively higher than the rest of the world. And I must compliment our young entrepreneurs and innovators for the wonderful work that they are doing. But I do agree with him that there will be many startups, many ideas which will not succeed. There may be some lack of clarity, some lack of an effective solution which can impact people's lives or make businesses easier. In fact, we should celebrate failure. If somebody fails, he should be encouraged to start again, start up again, stand up again and start again. And that's the whole idea of Startup India. It does not go after somebody whom we have given support or funding or money, either through SIDBI or through our other various programs and initiatives, through whom we have supported through the incubation centers or the Atal Tinkering Labs. All of these support measures are designed in a way to recognize that if a person fails, we must appreciate that he has tried at least. He has made an effort to do something on his own, to be an entrepreneur. As regards the incubation ecosystem, I think we've been quite successful in expanding that ecosystem through the length and breadth of the country. Hundreds of incubators today are maturing. They are providing newer and newer facilities, test beds, equipment, machineries to help our startups experiment. I'll give a couple of examples just for the honorable members to reflect upon. And I would urge all the honorable members through you, sir, to think in terms of starting incubation centers in each one of your districts or your constituencies also. Sir, an incubation center in IIT Madras is doing such phenomenal work that in a short span of time, they have created a value which is in excess of 30,000 crores for the startups that have been incubated by that IIT incubation center alone. And today they built 12 lakh square feet of area in which some of the most modern equipment they have provided. And Honorable Speaker, sir, you'll be happy to know that very soon, India's very own commercial scale spacecraft, indigenously designed and manufactured in India, is going to come out of IIT Madras, designed and developed by Indian young boys and girls. Similarly, in Gujarat, we have iHub. It's a remarkable incubation center which covers about 52 universities. And I had an interaction with some of the youngsters and middle-aged. Everybody's now looking at the startup ecosystem. They're really coming out with very good ideas. The Gujarat government is giving them significant support in addition to what the central government is doing. And I would urge all the honorable members to take advantage of these various schemes. When this answer came to me, sir, it was so long, I said, are you sure you want to give all this? But my team felt that it will be good for all the honorable members and it will generate confidence in our youth
that the government is committed to supporting them. Question number 104. माननीय सदस्य अधीर रंजन जी, आप प्रश्न पूछना चाहते हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 104 पर रखा गया एक मिनट बिराजे। माननीय सदस्य, आप यहाँ सदन में कांग्रेस दल के नेता हैं, आप कोई प्रश्न पूछना हो मुझसे प्रश्न पूछना हो तो आप मुझसे कहते हैं प्रश्न पूछना, मैं अलाउ करता आपको, पर बीच में आप क्यों? आपको मैंने कभी मना किया? आप पूछते हैं कि मैं प्रश्न पूछने तो मैं अलाउ करता हूँ। सर, आप हर वक्त कहते हैं कि आपने जवाब दिया था, ये बोलते जाते और तो क्वेश्चन है पीछे। क्वेश्चन नंबर 104। हाँ नमस्ते स्पीकर सर, the BSNL played a crucial role in improving the credit density. ना तो उनका रिकॉर्ड में आ रहा है ना आपका रिकॉर्ड में आ रहा है। Far flung areas, but the call, cell tower and network connections of BSNL is very very poor. Not only in rural areas, but also in urban areas, particularly in Davangere district of Karnataka, the customers are facing great difficulties as the call drop of BSNL is very high. Keeping in view of the above, I would like to know from Honorable Minister Sir whether the poor network connection of BSNL is one of the main reason the loss of customers. If so, what are the other main reasons for loss of customers of BSNL? What steps proposed to be taken to improve the connectivity of BSNL network, sir? Sir, BSNL went through a very bad phase of its life, sir, and primarily because certain political parties, especially in the UPA government, a lot of funds from BSNL were diverted away, and now, sir, I would like to place on record, Honorable Prime Minister has approved a very large revival package of 1,64,000 crore for revival of BSNL. And this project, sir, will totally transform BSNL. It will transform BSNL. BSNL is going to implement indigenously developed 4G and 5G technology stack, and sir, we should take pride in the country's engineers. Sir, gave the challenge that can our engineers develop the technology stack end to end. The engineers stood up, and in line with Prime Minister's Make in India initiative, today the 4G and 5G technology stack made in India, designed in India, developed in India is today recognized all over the world, sir. That is the story of telecom, sir. Time has gone. That those days have gone when certain people from other side of this aisle, sir, for them BSNL was always a cash cow, sir. Those days are gone, sir. Now BSNL is going to revive in a very big way, sir. Good, good, good. Complimentary. No, sir. जसवीर सिंह गिल, BSNL देश के लिए जरूरी है। हमारे मैं क्या मंत्री जी बताएंगे जो जियो और एयरटेल लोगों की लूट कर रहे हैं, उसका क्या समाधान है? रात को फोन बंद करके सोते, सुबह ऑन करते हो, जियो और BSNL का मैसेज आ जाता है कि आपका डाटा खत्म हो गया। सर, क्या रात को बूथ उसे यूज करते हैं? कृपा करके इस पे लगाम लगाई जाए और लोगों की लूट से बचाया जाए। धन्यवाद। अब माननीय अध्यक्ष जी, जब आप लोग सरकार में थे, यूपीए की सरकार थी, तब डेटा की क्या वैल्यू थी, डेटा की क्या कॉस्ट थी सर?
आप जो भूतों की बात कर रहे हैं माननीय सांसद महोदय, वो भूत 200 रुपए पर जीबी लेते थे, आज 20 रुपए से कम है पर जीबी। आज दुनिया के सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम, सबसे अफोर्डेबल टेलीकॉम सेक्टर्स में से हिंदुस्तान का नाम आता है सर, सबसे अफोर्डेबल हिंदुस्तान का नाम आता है। क्वेश्चन नंबर 105, श्री एम गुरुमूर्ति। थैंक यू सर। क्वेश्चन नंबर 105, स्पीकर सर, हैज द गवर्नमेंट कंसिडर टू इंस्टीट्यूट वंदे भारत ट्रेन ऑन द विशाखपट्नम टू तिरुपति रूट? इफ यस, प्लीज प्रोवाइड फर्दर डिटेल्स, इफ नॉट प्लीज प्रोवाइड द रीजन सर। सर, माननीय सांसद महोदय का प्रश्न मेन प्रश्न से डिफरेंट है। वंदे भारत के रूट्स की कंप्लीट ट्रांसपोर्ट प्लानिंग, नेटवर्क प्लानिंग के हिसाब से व्यवस्था हो रही है, उसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है। सप्लीमेंट्री, ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ तिरुपति वेस्ट रेलवे स्टेशन, टू मेनी स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज एंड रेलवे कॉलोनी इज देयर सर। सो आई अर्ज द मिनिस्टर टू कंस्ट्रक्ट ए रोड फ्रॉम द तिरुपति वेस्ट रेलवे स्टेशन क्रॉसिंग थ्रू श्री वेंकटेश्वर कैंपस स्कूल बैक साइड टू द वेस्टर्न चर्च सर। सर, ऑनरेबल मेंबर कैन मीट मी एनी टाइम इन द ऑफिस आवर्स, डेफिनेटली इफ देर आर एनी लोकल प्रॉब्लम्स वी कैन सिट डाउन एंड सॉल्व इट। द स्पेसिफिक रोड दैट यू हैव मेंशन सर, दैट रोड आई विल टेक द डेटा अबाउट इट, गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इट एंड देन वी कैन टेक अ डिसीजन सर। श्री पीवी मुथुन रेड्डी। थैंक यू सर। Sir, I just want to request the minister, because it's a very important connection, sir, Visakhapatnam to Tirupati. So, I mean, if the minister could consider, because Tirupati is a religious destination, and if he could, whatever member has requested, if the minister could consider this, we'll be very thankful to him, sir. Thank you. Yes, sir. Maniwar Adhyakshi, main ek bar fir dohrana chahunga ki Vande Bharat ka abhi jo seat wali, abhi basically sitting wali trains ban rahi hai, aur sleeper wali ट्रेन अभी बाद में बननी चालू होगी कुछ टाइम के बाद में। अभी जो सिटिंग वाली चेयर्स हैं, सिटिंग वाली जो ट्रेन्स हैं, इसमें मैक्सिमम डिस्टेंस दैट पीपल कैन कंफर्टेबली ट्रैवल दैट इज़ अबाउट 500 टू 550 किलोमीटर्स, सो दैट पीपल डोंट हैव टू ट्रैवल मोर देन 6 आवर्स इन अ सिटिंग पोजिशन। सो दैट्स वाई वी आर डूइंग द प्लानिंग एज पर द वेरी गुड साइंटिफिक पैरामीटर्स। Very soon, when the sleeper version of Vande Bharat comes, then we can take other decisions also, sir. Sri Arvind Sharma ji. Speaker sir. Sir, पूरे देश के राम भक्त इस इंतजार में हैं कि कब अयोध्या जाकर के श्री राम लला के दर्शन करें। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या कोई योजना है रेलवे मंत्रालय की पूरे देश को, नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, जब मंदिर पूरा हो 23 तक या 24 तक, तो पूरे देश को अयोध्या से जोड़ने की कोई योजना है? माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके द्वारा सभी माननीय सदस्यों के सामने रखना चाहूँगा, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की जो यशस्वी संस्कृति है, इस संस्कृति को, गौरवमयी संस्कृति को एक्सपीरियंस करने के लिए बहुत ही अच्छी एक योजना जिसको भारत गौरव यात्रा के नाम से चलाया गया है, उसमें सबसे पहली ट्रेन रामायण एक्सप्रेस चली, और रामायण एक्सप्रेस का जो पैसेंजर्स का एक्सपीरियंस है, पैसेंजर्स का फीडबैक है, इतना अच्छा फीडबैक है माननीय अध्यक्ष जी, कि उस फीडबैक के बेसिस पे अब कई सारे नए सर्किट्स की कल्पना की जा रही है। इस पे काम ऑलरेडी चल रहा है, और जो प्रभु श्री राम के दरबार में सबको एक जो जितने भी प्रेमी भक्त हैं सबको लेके जाने की जो व्यवस्था करनी है, रेलवे उसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 106, श्री सुमेधानंद सरस्वती जी। प्रश्न संख्या 106, इट इज लेड ऑन द टेबल सर। धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं माननीय मंत्री जी का
आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि मैं जब सांसद बना था तो सीकर में केवल 10 ट्रेनों का आवागमन था। आज आपने हमें बहुत सारी ट्रेनें दी, आपके कोटा से भी मुझे जोड़ दिया और 100 अभी वर्तमान में 37 ट्रेनों का आवागमन है। इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मैंने माननीय मंत्री जी से एक प्रश्न पूछा था कि राजस्थान के सीकर, अलवर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, स्वाईमाधोपुर, जयपुर, टोंक और कोटा जिलों के जो स्टेशन हैं उनको स्मार्ट स्टेशन के रूप में विकसित करने के लिए जो कार्य योजना है, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है और उसमें मंत्री जी ने बताया कि उदयपुर, गांधीनगर, जयपुर, कोटा, डकनिया तालाब, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर में कार्य चल रहा है। आपने बताया कि जोन के हिसाब से स्टेशन ग्रेडिंग का हम चयन करते हैं, तो मैं ये जानना चाह रहा था कि जैसे सीकर है एजुकेशन की दृष्टि से, कोटा के बाद में सेकंड हब है, 2.5 लाख स्टूडेंट पढ़ता है, तो उस स्टेशन के स्मार्ट के रूप में विकसित करने के लिए कोई कार्य योजना है क्या? माननीय अध्यक्ष जी, स्टेशनों के कंप्लीट रीडेवलपमेंट का बहुत ही एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम चल रहा है सर। इसमें जो बड़े स्टेशन्स हैं, बड़े स्टेशन्स का कंप्लीट रीडेवलपमेंट, उसमें नए फीचर्स, एक बहुत वृहद रूफ प्लाजा, जिस रूफ प्लाजा में आराम से अच्छा वेटिंग एरिया हो, लोकल प्रोडक्ट्स बेचे जा सके, बहुत सारी एक व्यवस्था के तौर पे चल रहा है। करीब करीब आज की तारीख में 41 स्टेशन्स पे काम आरंभ हो चुका है माननीय अध्यक्ष जी। इसके अलावा बाकी सब स्टेशन्स का फेज बाय फेज जो नेक्स्ट लेवल के स्टेशन है उनकी मास्टर प्लानिंग अभी चल रही है। इसके अलावा जो दूसरे स्टेशन हैं उन स्टेशन का भी काम एक फेज बाय फेज लिया जा रहा है माननीय अध्यक्ष जी। माननीय सांसद महोदय का जो रिक्वेस्ट है, मैं इनसे अलग से मिलके डेफिनेटली इनके स्टेशन की अगर इतनी डिमांड है वहाँ पे पैसेंजर्स की, तो वहाँ पे और भी काम लिया जा सकता है। सप्लीमेंट्री सर, धन्यवाद। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाह रहा था कि जो हमारे जो प्रमुख स्टेशन है उन पर आरक्षण केंद्र, वाईफाई जैसी सुविधाओं का विस्तार करने के लिए और सभी स्टेशनों को विद्युतीकृत करने के संबंध में क्या सरकार ने कोई विशेष योजना बनाई है? माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब 6,000 से अधिक स्टेशन पे ऑलरेडी फ्री वाईफाई की सुविधा उपलब्ध है और PRS जो रिजर्वेशन सेंटर की बात है तो बहुत सारा रिजर्वेशन ऑलरेडी इंटरनेट की तरफ शिफ्ट हो चुका है, जिसे बहुत ही एक सरल व्यवस्था में मोबाइल फोन से ही बैठे बैठे रिजर्वेशन करवाया जा सकता है। सुखवीर सिंह जौनपुरिया जी। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करूंगा कि जो 20 साल के पुराने काम थे आज इनके नेतृत्व में वो सारे काम कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं, चाहे दौसा गंगापुर की लाइन हो, कुछ भी हो, और कई काम है। माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक जानना चाह रहा था कि सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन इनकम की दृष्टि से भी और पर्यटक की दृष्टि से भी, देशी और विदेशी पर्यटक बहुत भीड़ होती है, बहुत रस भी रहता है, लेकिन उस प्रकार की फैसिलिटी नहीं है। मैं ये जानना चाह रहा था कि वहाँ पर वेटिंग रूम भी, टॉयलेट भी, कोई फूड कोई फैसिलिटी नहीं है। अभी आप भी एक महीने पहले गए थे वहाँ पर, जिस हिसाब की दिक्कत आपने भी झेली, तो मैं निवेदन करना चाह रहा था कि आपका जो इको स्मार्ट स्टेशन के उन्होंने चल रहा है तो कम से कम सवाईमाधोपुर रेलवे स्टेशन को उसमें लिया जाए ताकि वहाँ भी एक बहुत जरूरत है, इसलिए मैं आपका निवेदन करना चाहता था। माननीय अध्यक्ष जी, सवाईमाधोपुर NSG 3 कैटेगरी में आता है और डेफिनेटली बड़े स्टेशन के काम के साथ ही साथ और भी कई स्टेशनों को एक साथ लिया जा रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेशन डेवलपमेंट के लिए एक बहुत ही बड़ा फोकस के साथ काम चालू किया है और उस काम में आज रिजल्ट्स भी दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बहुत सारे स्टेशन हमारे देश में करीब करीब 7,500 स्टेशन हैं, तो ये सारा एक फेज बाय फेज ही किया जा सकता है। श्री NK प्रेमचंदन जी। थैंक यू स्पीकर सर। सर, आई एम थैंकफुल टू द ऑनरेबल मिनिस्टर एंड द रेलवेज फॉर टेकिंग एंड रीडेवलपिंग द स्टेशन इन द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। Sir, from my state, 3 stations have already been taken. My station, Kollam station in my constituency, is also now tender and all the process have already been completed. The work has just started. My specific question is, what is the time frame by which the Kollam railway station is completed? And also, I would like to know from the Honorable Minister, I am staying just 50 meters away from the railway station. It is quite unfortunate to say,
Even the general manager of Southern Railway is visiting my railway station so as to look into the aspects of development of the station. The public representative, the member of parliament, has to be taken into confidence before finalizing the mode of development and what are the amenities to be taken into account. Unfortunately, they are not taking into confidence the members of parliament of the concerned constituencies. Will the government, sir, will the government give a direction? Will the government give a direction? Direction to the concerned so as to take... Your Adhyakshi, station development is a very complex process. Trains have to continuously run. Trains cannot be, services cannot be disrupted while we are doing the construction work. So most of such cases, if you look at international standards, station redevelopment of a brownfield station normally takes a time frame of 3 to 5 years, depending upon the complexity of the stations. In these cases, we are developing a very interesting modular approach of developing stations so that we can do the construction work in a very fast manner. That particular modular construction methodology is getting perfected today in the laboratory and in the pilot projects in the within the railway system. So we hope that we'll be able to do many of these projects at in time frame which is significantly lesser than the international time frames. Regarding the design process, Honorable Speaker, sir, most of the designs have been done in good consultation with the people of the area. If Honorable member has any complaint, I can definitely look into his complaint as an individual complaint, sir. Shri Suresh Dhanorkar. Dhanyavad Adhyaksh Mahoday. मैं माननीय मंत्री महोदय जी से अनुरोध करता हूँ, कोविड महामारी के पहले रेलवे प्रवास अंतर्गत जिस प्रकार की सुविधा वृद्ध नागरिक तथा अधि स्वीकृति धारक पत्रकारों को मिलती थी, उसे फिर से शुरू करेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष जी, करीब करीब हर एक पैसेंजर को, हर एक यात्री को करीब करीब 55% कंसेशन आज भी दिया जा रहा है। वो इस तरह से है कि रेलवे की अगर कॉस्ट यात्रियों को ले जाने में 1.16 रुपये आती है, रेलवे केवल चार्ज करता है 45 पैसे 48 पैसे के आसपास। पिछले साल टोटल सब्सिडी केवल यात्री सेवा पे करीब करीब 59,000 करोड़ पैसेंजर सब्सिडी पिछले साल दी गई थी। इसके अलावा भी और भी दूसरी यात्रियों के लिए कई नई तरह की सुविधाएँ आ रही हैं, कई नई तरह की फैसिलिटीज़ आ रही हैं, नए तरह के ट्रेन्स आ रही हैं। तो इसमें मेरा रिक्वेस्ट है माननीय सांसद महोदय से कि जो भी और भी कोई अगर निर्णय लिए जाने हैं तो लिए जाएंगे समय पे, लेकिन अभी रेलवे के जो कंडीशन है उस कंडीशन को भी सबको देखना चाहिए। मनोज तिवारी जी। हमारी मैं भी अपनी लोकसभा के हिसाब से सौभाग्यशाली हूँ कि मेरी लोकसभा में पहली बार एक रेलवे हॉल्ट बना है, वो भी मोदी सरकार आने के बाद बना। मैं जानना चाहता हूं मंत्री जी से कि क्या उस रेलवे हॉल्ट के ऐसे जहां एक लोकसभा में एक ही हॉल्ट हो, उसके सुंदरीकरण पे हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, कुछ सहायता हो सकती है क्या? माननीय सांसद महोदय के एरिया में काम ऑलरेडी चल रहा है सर। क्वेश्चन नंबर 107 श्री सीपी जोशी जी। क्वेश्चन नंबर 107 धन्यवाद अध्यक्ष जी। सबसे पहले तो मैं मेवाड़ बागड़ की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं कि मोदी जी की सरकार में और आपकी अगुवाई में बड़साड़ी से उदयपुर और उदयपुर से अहमदाबाद जो आजादी से पूर्व का सपना था वो सपना पूरा हुआ। मैं माननीय मंत्री महोदय, आप माननीय प्रधानमंत्री जी का एक सपना है कि भारत की हरित प्रतिबद्धता पंचामृत को ध्यान में रखते हुए स्वच्छ इंजन के उपयोग पर आधारित किसी योजना पर मंत्रालय कोई कार्य कर रहा है और न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन हो इसके लिए मंत्रालय कोई योजना बनाई है, और बनाई है तो वो क्या है? माननीय अध्यक्ष जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से घोषणा की थी कि 2030 तक रेलवे नेट जीरो होगा, डायरेक्ट नेट जीरो होगा, और इसमें बहुत सारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं। देश भर में पूरे के पूरे रेलवे नेटवर्क को एक सिग्निफिकेंट लेवल तक ऑलरेडी इसका बिजलीकरण किया जा चुका है, और जितना बाकी नेटवर्क है वो भी बिजलीकरण किया जा रहा है। साथ ही साथ इसका इलेक्ट्रिफिकेशन में नई टेक्नोलॉजी 2x25 kW की इस नई टेक्नोलॉजी की को भी लाया जा रहा है। साथ ही साथ स्टेशन रेलवे ट्रैक के साथ जहाँ पर भी ट्रैक्शन सब स्टेशन है
उन ट्रैक्शन सबस्टेशन से जुड़े हुए एरियाज में सोलर एनर्जी के नए पार्क लगाए जा रहे हैं। इसके अलावा सोलर एनर्जी के और भी बहुत सारे पार्क लगाए जा रहे हैं। इसके रिजल्ट आज परिणाम भी दिखाई देने लगे हैं। जहां 2018-19 में 26 लाख किलोलीटर का डीजल कंज्यूम होता था, आज उसकी जगह 2021-22 में मात्र 19 लाख किलोलीटर का डीजल कंज्यूम होता है, यानी डीजल का कंजम्पशन भी कम हो रहा है। तो मॉडर्न एनर्जी एफिशिएंट ट्रेन्स, एनर्जी एफिशिएंट लोकोमोटिव्स, सोलर पावर से जनरेटेड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत सारी चीज़ों को एक व्यवस्थित तरीके से रेलवे में जो नेट ज़ीरो की संकल्पना है उस तरफ बढ़ाया जा रहा है। बहुत अच्छा, आपने अपनी सरकार के इस दिशा में आपने वक्तव्य दिया। आपने बड़ी साड़ी से उदयपुर और बड़ी सादड़ी से मालवा को जोड़ने के लिए भी रेलवे लाइन दी है, क्योंकि मावली से मारवाड़ जोड़ने के लिए वहां चूंकि पुरानी मीटर गेज चल रही है और वहां नई रेलवे लाइन हो जाएगी और इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगा, तो न्यूनतम कार्बन उत्सर्जन का भी हमारा जो काम पूरा होगा। उस क्षेत्र को मेवाड़ को मारवाड़ से जोड़ने की भी क्या योजना मंत्रालय बना रहा है क्या? माननीय सांसद महोदय ने अपने पसंद के प्रोजेक्ट को सोलर से जोड़ के बहुत ही अच्छे तरीके से, आप तो शब्दों के कलाकार हैं सर। एक ही चीज़ मैं सबकी जानकारी में रखना चाहूँगा माननीय अध्यक्ष महोदय आपके जरिए से, इलेक्ट्रिफिकेशन का काम जो वर्षों से बिल्कुल धीमी गति से होता था, धीमी गति के समाचारों की तरह चलता था, 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, कभी कभी 500-600 किलोमीटर, अब करीब करीब प्रति वर्ष इलेक्ट्रिफिकेशन का काम वर्ष में 5000 किलोमीटर से अधिक का हो रहा। नए ट्रैक बिछाने का काम भी बिल्कुल एक ऐसी गति से चलता था, कच्छप गति से, अब करीब करीब माननीय अध्यक्ष जी 12 किलोमीटर प्रतिदिन नए ट्रैक्स लगाए जा रहे हैं, जो कि यूपीए की सरकार के समय में मात्र 4 किलोमीटर प्रतिदिन होता था। इतना बड़ा एक ट्रांसफॉर्मेशन रेलवे में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की विजन के जरिए से इम्प्लीमेंट हो रहा है, उस सब में आपके प्रोजेक्ट, बाकी सबके प्रोजेक्ट, वो सब प्रोजेक्ट्स उसमें इंक्लूड निश्चित तौर पे होंगे। श्री रोडुमल नागर जी। माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि इथेनॉल और बायोडीजल को मिश्रित करके इंजन का अनुसंधान अभिकल्प और मानक संगठन द्वारा B5 बायोडीजल से परिचालन का परीक्षण किया है, तो क्या ये परीक्षण जो हुआ है इसका अनुभव कैसा है, और अगर अनुभव अच्छा है तो आगे और इसको बढ़ाने की क्या योजना है? सर, योजना तो करीब करीब इस तरह से है कि डीजल को करीब करीब पूरी तरीके से डीजल का उपयोग ही बंद कर दें, यथासंभव इलेक्ट्रिसिटी के ही उपयोग से ट्रेन चले। और अच्छी बात यह है कि अभी हाइड्रोजन की ट्रेन का भी डेवलपमेंट काम चालू हो गया है, जो कि बहुत अच्छी प्रगति उसकी, हाइड्रोजन ट्रेन की डिज़ाइन का काम चल रहा है, बहुत जल्दी वो भी एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट होगा। अगेन, हाइड्रोजन की ट्रेन बनाने के टाइम में भी संभव था कि बाहर से टेक्नोलॉजी लेके आ जाएं, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने देश के इंजीनियर्स पे ही पूरा भरोसा जताया और कहा कि जैसे वंदे भारत हिंदुस्तान के इंजीनियर्स ने डिज़ाइन की, वैसे ही हाइड्रोजन ट्रेन भी अपने ही इंजीनियर डिज़ाइन करेंगे, अपने ही इंजीनियर्स डेवलप करेंगे। श्रीमती नवनीत राणा। अध्यक्ष महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। रेल मंत्री जी यहाँ पर हैं, इसको बहुत कनेक्टेड नहीं, पर देश के जो सीनियर सिटीजन हैं हमारे, उनकी जो टिकट को कंसेशन हम देते थे इतने सालों से, जो यूज टू हो गए हैं सब सीनियर सिटीजन, श्रावण बार निराधार योजना का लाभ लेने वाले जो सीनियर सिटीजन हैं, उनकी अभी टिकट में जो कंसेशन बंद किया है सर, वो कब फिर शुरू कर सकते हैं, उसके लिए अगर आपने बताया तो सभी सीनियर सिटीजन देश के लोगों को बहुत हेल्प होगी। थैंक यू। जैसा मैंने पहले भी कहा, करीब करीब 59,000 करोड़ की सब्सिडी यात्री सेवाओं पर है, 59,000 करोड़ की, कई राज्यों का बजट भी इतना नहीं होता है, तो बहुत बड़ी सब्सिडी यात्री सेवाओं में ऑलरेडी दी जा रही है और कंटिन्यूस है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रेलवे का माननीय अध्यक्ष जी, पेंशन का बिल 60,000 करोड़ है, सैलरी का बिल 97,000 करोड़ है, एनर्जी का बिल 40,000 करोड़ है, ऐसी परिस्थितियों में 59,000 करोड़
ऑलरेडी जो सब्सिडी दी जा रही है उसको स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा और कुछ फैसले अगर करने होंगे तो भविष्य में किए। क्वेश्चन नंबर 108 श्री कुलदीप राय शर्मा। माननीय मंत्री जी, लेड ऑन द टेबल ऑफ द हाउस। सुप्रिया सुनानंद सुले। सुप्रिया सुले, सदानंद सर, आई वुड लाइक सुप्रिया सदानंद सुले। थैंक यू सर। आई वुड लाइक टू आस्क द ऑनरेबल मिनिस्टर दैट देयर आर वेरियस स्कीम्स दैट द गवर्नमेंट गिव्स थ्रू आर कनेक्टेड टू आवर मोबाइल फोन्स नाउ। देयर आर सेवरल वेंडर्स इन्वॉल्वड इन दिस बिकॉज इट्स अ वेरी ब्रॉड बेस्ड थिंग। सो व्हाट इज द गवर्नमेंट डूइंग फॉर डेटा प्रोटेक्शन बिकॉज देयर आर वेरियस वेंडर्स आउटसाइड ऑफ गवर्नमेंट। सो व्हाट स्पेसिफिक इंटरवेंशन आर यू डूइंग सो दैट द प्राइवेसी ऑफ द कस्टमर एज वेल एज दिस गवर्नमेंट डेटा by several vendors who are outside, which are third party. So how do you do that? Because a lot of accounts are even fake is what is coming in the newspaper. So how do you control the fake accounts as well as the customer is completely, or every citizen would be the right person to use, I think. Thank you, sir. Ji, Manavar Sansad Mahodaya ne bahut important vishay raise kiya. Aaj ki jo digital economy hai, isme data ki privacy aur data ka protection apne aap mein ek bahut hi mahatvapurna vishay hai. इस विषय पे माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक नया लीगल फ्रेमवर्क, कॉम्प्रिहेंसिव लीगल फ्रेमवर्क बनाने का मार्गदर्शन दिया है और उसके अंतर्गत ऑलरेडी वी हैव पब्लिश्ड टू न्यू बिल्स। वन इज़ द टेलीकॉम बिल एंड सेकंड इज़ द डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल। बोथ दिस बिल्स आर ऑलरेडी अप फॉर कंसल्टेशन एंड आई रिक्वेस्ट ऑनरेबल members to give your views so that we can improve the bills before we bring it to the parliament. Both these bills are focused on protecting the user's data. Both these bills take the best practices of the world in account and they create a very good balance between what is required for protecting the data and what is required for maintaining the very strong innovation system, innovation ecosystem that we have developed in this country, sir. Question number क्वेश्चन नंबर वन जी बैठे माननीय सदस्य, आप सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? सप्लीमेंट्री पूछना चाहते हैं? डिबेट में बैठे 109 श्री राजवीर सिंह। ऑनरेबल मंत्री जी, स्टेटमेंट इज लेट ऑन द टेबल। डॉक्टर सुकांत मजूमदार। थैंक यू अध्यक्ष जी। सर, recently the system of AIIMS Delhi was attacked by the hackers from unknown sources. My question is whether the government has identified the hacker, and if so, what are the corrective measures they have taken by the government in this regard? Desh mein cyber security par bahut hi महत्वपूर्ण और मल्टी डायमेंशनल काम चल रहा है। केवल मैंने जिस तरह की आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था में, डिजिटल इकोनॉमी में जिस तरह के थ्रेट्स स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स के जरिए से आते हैं उसके ऊपर एक कॉम्प्रिहेंसिव काम चल रहा है। कई तरह के नए इंस्टीट्यूशंस बनाए, जैसे सर्टिन है, I4C है, साइबर क्राइम रिपोर्टिंग का काम है, NCIIPC है, NCCC विद इन द प्रोजेक्ट ऑफ सर्टिन। इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए गए और इसका बहुत अच्छा रिजल्ट भी दिखाई दे रहा है। साइबर अटैक्स लाखों की संख्या में डेली होते हैं और मेजॉरिटी ऑफ द साइबर अटैक्स, ऑनरेबल स्पीकर सर, वी हैव बीन एबल टू प्रिवेंट बिकॉज ऑफ मेनी ऑफ दीज इनिशिएटिव्स टेकन। इन द स्पेसिफिक केस ऑफ AIIMS, द नेटवर्क हैड ग्रोन एज अ फ्लैट नेटवर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एंड बिकॉज ऑफ दैट now it is getting fully revised, fully updated into a hierarchical system in which the users, the login password, the privileges of admin, all those things are getting redefined. So we understand as and when the investigation by NIA is complete, we would actually come to know who were the attackers, but we definitely have taken the measures, all the required measures for making sure that the network is protected, sir. प्रश्नकाल समाप्त। माननीय सदस्यगण, मुझे कुछ विषयों पर स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है। मैंने प्रस्ताव की सूचना के लिए अनुमति दिया। आप जीरो ओवर में आपको
सिर्फ कल से हम लोग ये मांग करके आ रहे हैं कि इंडो चाइना बॉर्डर में स्थिति क्या है, इस विषय पे थोड़ा सदन के अंदर चर्चा करें। सर मैं एक उदाहरण देते हैं, 1962 में, 1962 में जब चीन के साथ हमारी जंग हुई थी सर, सर एक भाई इसके खिलाफत नहीं सर, किसी के खिलाफत नहीं सर, 1962 में जब इंडो चाइना वार हुई थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने सदन में बैठते हुए 165 एमपीज को बोलने का मौका दिया और सबको सारे बात ये कहने की मौका देने के बाद ये निर्णय लिया गया कि क्या करना चाहिए। सभा पटल, लेकिन सर सभा पटल, सभा पटल बिजनेस एडवाइजर कमेटी में डिसाइड करेंगे। सभा पटल पर रखे जाने वाले पत्र आइटम नंबर 2।